नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। उत्तर प्रदेश में सत्ता की लालसा हर तरफ देखी जा सकती है। हर कोई अपने आप को सत्ता की लालसा के लिए जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने अब फोटो ट्वीट कर सत्ता में वापसी का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए कि झूठ लगातार बीजेपी बोल रही है और लूट का फूल बनकर 24 घंटे जनता को ठगने का काम कर रही है। और ऐसा सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो दल हैं वो भी यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की जो खास बात है, जो आज चक्रव्यू हमने इस टॉपिक पर रखा है, वो ये कि अखिलेश यादव ने एक फोटो पोस्ट की है। उस फोटो में उन्होंने लिखा है, मैं आ रहा हूं का मतलब है कि वो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में, यानी कि 2022 में वही चुनाव जीतने वाले हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन करें। इससे पहले आपको अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी या और तमाम ऐसे बड़े नेताओं की बात करें तो अमूमन दिखाई नहीं देते, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो इनको मंदिरों में जाने की, चादर चढ़ाने की याद आ जाती है। इसी कड़ी में अब नाम जुड़ा है अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने रामलला के दर्शन करे हैं। दर्शन करें, ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर सबका है, सब आए दर्शन करें। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, कहा कि दिल्लीवासी जो हैं मुफ्त में अब रामलला के दर्शन कर सकेंगे, ऐसा कहते हुए वो नजर आए हैं। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीर आजकल सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में दखलअंदाजी करने जा रही हैं। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। उनका कहना है कि वो वाराणसी आएंगी, क्योंकि दो बड़े चेहरे कांग्रेस के वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ललितेश त्रिपाठी एक है, जो कि एक बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस में थे, जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है, लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो अभी से ही लगातार रैलियां, संबोधन जनता का करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, योगी आदित्यनाथ भी, और अब अमित शाह आएंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, लखनऊ आएंगे। यहाँ पर क्या दाव पेच खेला जाएगा, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। वहीं आपको बता दूं कि ये तमाम वादे, तमाम दावे लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में किए जा रहे हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है कि प्रलोभन दें हम जनता को, या ये कहें कि हम रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। पहले तो नहीं होता, लेकिन जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो रामलला मंदिर, दुर्गा माँ सबको याद आ जाते हैं, उससे पहले किसी को कुछ याद नहीं रहता है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ये कहती हैं कि दलितों के और पिछड़ों के लिए अन्य सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर विवेक श्रीवास्तव की मैं बात करूं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं आपके, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी और भी मेहमान हैं, वो भी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विवेक जी, आपसे सवाल लूंगी। विवेक जी, अमित शाह लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य, क्या फेरबदल हो सकता है, कुछ बदलाव? देखिए, अमित शाह जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीतें दर्ज की। उनके अनुभव से पार्टी हमेशा लाभ लेती रही और निसंदेह उनकी रणनीतियां लाजवाब बन गई। वो आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों के लिए उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आगे 2022 में लड़ाई होने जा रही है उसको भार दे। जी, आवाज क्लियर नहीं है, बहुत शोर हो रहा है मैडम। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं ये समस्या ठीक कराने की कोशिश करूंगी। विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह
कह रहा था कि अमित शाह जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक। ठीक है विवेक जी, लेकिन जो सभी दल हैं, विपक्षी जितने भी दल हैं, वो एकजुट हो चुके हैं और सिर्फ कोशिश ये है कि बीजेपी को किसी भी तरह हराना है। जब जब कोई भी बीजेपी बड़ा ऐलान करती है, सपा या कांग्रेस बीच में आ जाती है और जनता को बड़ा सा प्रलोभन दे देती है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए। चार चरित्र किसानों की तरफ माफी का वादा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मीडिया क्या, जो लोग यहाँ सूची लैपटॉप मोबाइल बांट रहे हैं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे मीडिया क्या। आवाज इको हो रही है, मैं इको हो रहा प्रलोभन मात्र है और उत्तर प्रदेश जनता उन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती है कि लोगों को सत्ता के निकट भी नहीं जाने के संभावना है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों से जरा भी चिंतित नहीं है। भाजपा अपने 4.5 साल के कांग्रेस की केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई उस पर ढंग से लागू करने के धंधे ठीक है विवेक जी, ठीक है। पुष्पेंद्र साहब, अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और एक ऐलान करते हैं कि दिल्लीवासी जो है वो मुफ्त में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हर चीज मुफ्त में ही बांटते हैं, अब दर्शन भी मुफ्त में। नहीं देखिए, शायद आप आवाज इको हो रही है, कुछ समझ सुनाई नहीं पड़ रहा बिल्कुल। ठीक है, इस समस्या का समाधान हम निकाल रहे हैं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और हमारा मुद्दा वही है जो भगवान राम के राम राज्य जिसको आप कहते हैं, राम राज्य की जो परिकल्पना है, आम आदमी पार्टी उसी सिद्धांत पे चलती है। राम राज्य की परिकल्पना, पुष्पेंद्र साहब अपनी बात पूरी करें, राम राज्य की परिकल्पना की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा मिले, वो राम राज्य की परिकल्पना क्या है? मैं बता रहा हूं ना, आम आदमी पार्टी के अपना जो केजरीवाल सरकार का राम राज्य का सिद्धांत है वो 10 सिद्धांत है। कोई भूखा ना सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को बेहतर इलाज मिले, 24 घंटे मुफ्त बिजली मिले, सभी को मुफ्त पानी मिले, सभी को रोजगार मिले, बेघरों को मकान मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों का सम्मान हो और सभी को समान अधिकार मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे अपनी राजनीति करती है और अब चूंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब मुद्दों की राजनीति पसंद कर रही है, तो आपने राम पार्टी के आपने राम नाम का सहारा कैसे ले लिया फिर? पुष्पेंद्र जी, आपने राम नाम का सहारा कैसे ले लिया फिर? देखिए, सहारे की बात जहां तक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की हमारी जो सरकार है वहां पे पहले ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला रही है। इसके अंतर्गत हम द्वारका और रामेश्वरम, वैष्णो देवी, चार धाम यात्रा, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार, तमाम जगहों पे हम अपने यहाँ बुजुर्गों को फ्री यात्रा करवाते हैं। ये आज से नहीं करवा रहे, ये हमारी कई साल पुरानी योजना है। उसी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हम दिल्ली के लोगों को अब अयोध्या भी भेजेंगे और अयोध्या भी उनकी यात्रा करवाएंगे ताकि वो रामलला के दर्शन कर सके, बजरंगबली जी के दर्शन कर सके, सरयू आरती में शामिल हो सके। वो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ उस कार्यक्रम में अयोध्या को जोड़ने की बात कही है। आपने लेकिन अभी बहुत सारी बातें कही है, तो दिल्ली की जो आप तारीफ कर रहे हैं, जो 2 करोड़ की जनसंख्या है वो तो आपसे संभल नहीं रही है, आप 24 करोड़ को संभालने चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं 24 करोड़ को संभालने का। देखिए, ये बातें वो कह रहे हैं जो खुद उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब लोगों को सरकार की जरूरत थी तो उस समय सरकार गायब थी। अच्छा, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल हर किसी के घर जा रहे थे,
दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल हर किसी के पास जा रहे थे, तभी ये कह दिया था कि घर पर आइसोलेट हो जाइए, अस्पतालों में जगह नहीं है। देखिए मेरा जवाब आप कंप्लीट होने देंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं गए, लोग दिल्ली के लोगों के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करते रहे। अच्छा। दिल्ली के लोगों के लिए डॉक्टरों का इंतजाम करते रहे। और सुनिए, केंद्र सरकार से रात रात भर जा करके ऑक्सीजन की मांग करते रहे कि दिल्ली में ऑक्सीजन कम है, दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी जी दोनों पश्चिम बंगाल में अपने लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। अच्छा। जब केजरीवाल जी अपने दिल्ली वालों की जान बचाने की भीख मांग रहे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाके पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। केजरीवाल जी ने कोरोना काल में दिल्ली की जनता के लिए दिन रात एक कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के लोगों को बेहतर इलाज मिला, दिल्ली के लोगों को समय से ऑक्सीजन मिली, डॉक्टर अवेलेबल हुए और हम कोरोना पे काबू पाने में काफी हद तक कामयाब रहे। आपको एक बात और बता देता हूँ कि 10,000 बेड का हॉस्पिटल कोरोना काल में सिर्फ दिल्ली में ही बनके तैयार हुआ, पूरे देश में और कहीं ये बात नहीं हुई है। अच्छा। तो हमको कम से कम योगी जी से ये सीख लेने की जरूरत नहीं है कि हमने दिल्ली में बढ़िया काम नहीं किया। नहीं तो आप मत सीख लीजिए, आप मत सीख लीजिए, विवेक जी सीख लेंगे आपसे। विवेक जी थोड़ी सीख ले लीजिए, कोरोना काल में बेहतर काम किया है दिल्ली सरकार ने, आपने तो कुछ किया ही नहीं। इन्होंने किया है ना, चिता लाशें जलाई, एक एक चिता पे 10-10 लाशें जलाई है। बताइए विवेक साहब, गंगा नदी में लाशें बहती रही, कुत्ते नोच नोच करके खाते रहे। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है विवेक साहब, आवाज आ रही है मेरी? शायद विवेक साहब को मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। पुष्पेंद्र साहब, आगे क्या विजन है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि एक ही ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन यहां पर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय उत्तर प्रदेश में नजर आती है। उत्तर प्रदेश को किस तरह से आप देखते हैं, क्या इरादा है उत्तर प्रदेश में आप लोगों का? देखिए हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, पहले दिन से हम दिल्ली का जो मॉडल है केजरीवाल मॉडल, उस मॉडल को हम उत्तर प्रदेश में लागू करना दिल्ली का मॉडल अच्छा नहीं है। देखिए मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली का मॉडल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है दिल्ली का मॉडल। आप आगे बताइए, अच्छी शिक्षा वहाँ बताइए ना, आप मुझे बताइए, बताती हूँ। अच्छी शिक्षा नहीं है, सुनते रहिए, अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं है, ठीक है, स्कूल नहीं है, वहाँ बिजली फ्री नहीं है, वहाँ पानी फ्री नहीं है, क्या दिक्कत है बताइए ना। ठीक है ठीक है, आप बताइए। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक बता दीजिए कौन सा बेहतर चल रहा है। बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक, ड्रेनेज सिस्टम बता दीजिए। बरसात के मौसम में अभी परसों ही इतनी बारिश हुई है, दिल्ली का कितना बुरा हाल था आपने देखा होगा, खबरें तो देखते ही होंगे आप, वो बता दीजिए आपने क्या ठीक करी है। महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रहे थे अभी, आप सुनते जाइए पुष्पेंद्र साहब, आप सुनते जाइए फिर आप बताइएगा। महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही एक पूरा मामला कितना ज्यादा उछला था, जिसमें एक छोटी मासूम बच्ची की चिता जला दी गई थी। आप महिलाओं की बात करते हैं सुरक्षा की, रेप कैपिटल बनता जा रहा है दिल्ली। आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता, मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का काम है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी किसी दल से बात कर ली जाए तो हर कोई यही कहता है कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात हम करते हैं। आप अपना विजन क्लियर कर रहे हैं, मैं आपको दिल्ली की तस्वीरें बता रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारा विजन, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैंने भी देखा है दिल्ली को। आप हमें मत बताइए, आप उत्तर प्रदेश को देखिए कि एटा में किस तरह। नहीं मैं दिल्ली भी देखूंगी, मैं उत्तर प्रदेश भी देखूंगी और आपसे सवाल भी होंगे। आपकी बकलाहट चाहे जितनी मर्जी हो, आपकी बकलाहट जितनी मर्जी, आपसे सवाल होंगे बकला लीजिए, लेकिन बताइए मुझे कि आप यूपी में दिल्ली की तर्ज पर काम करेंगे तो क्या 2 करोड़ की जनसंख्या और 24 करोड़ को संभाल पाएंगे? क्यों नहीं संभालेंगे, वहाँ दिल्ली का बजट 55,000 करोड़ 60,000 करोड़ का है और उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, तो इसके इससे कोई तुलना नहीं कर सकते आप। तो तुलना तो फिर संसाधन का है। फिर वही बात, पुष्पेंद्र साहब आप मेरी बात नहीं समझे, आप बजट की बात कर रहे हैं तो संख्या भी तो देखिए ना, जनसंख्या कितनी ज्यादा है। तो हम यही बात तो कह रहे हैं कि दिल्ली तो पूर्ण शासित राज्य भी नहीं है,
दिल्ली में हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कम से कम लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, सारी चीजें इनके हाथ में है। वहां तो हम एक सिपाही का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, वहां हमारे पास भूमि नहीं है, डीडीए केंद्र सरकार के अंदर में है। अभी जिस ड्रेनेज की साफ सफाई की व्यवस्था आप कर रही थी कि नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो काम एमसीडी के पास है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का नाज है, तो बताइए हम कैसे वहां काम करें। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की सरकार जो वहां काम कर रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है स्कूलों में, मुफ्त बिजली दे रही है, अच्छा इलाज दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है, मुफ्त पानी दे रही है, वो वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, योगी सरकार के साढ़े चार आप ही कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता वेलकम कर रही है? पुष्पेंद्र साहब, उत्तर प्रदेश की जनता वेलकम कर रही है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारी चार पांच तिरंगा यात्रा हुई है, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में, अयोध्या में। हाँ जी। आपने देखा किस तरह का जनसमूह हमारे साथ उमड़ा। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे सदस्यों के, उसमें हमको 40 लाख वोट मिले उत्तर प्रदेश से, 40 लाख, और हमारे 82 जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए, 200 बीडीसी जीत करके आए। तो ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल को पसंद कर रही है और उसका वेलकम कर रही है। ठीक है, ठीक है पुष्पेंद्र साहब, ठीक है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवनीश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा से, और हमारे साथ अंशु अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी जी, पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगी, अंशु अवस्थी से पहले सवाल कर लूं। अंशु जी, कांग्रेस बहुत ज्यादा एकदम दमखम दिखा रही है, प्रियंका गांधी एकदम हाई अलर्ट पर हैं और ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी हाई अलर्ट पर नजर आते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर टीएमसी में जो कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं, क्या वजह है? क्या उनको सही जगह नहीं मिल रही है या उनकी बात नहीं मानी जा रही? क्योंकि कांग्रेस में अमूमन हमने देखा है कि अंतर्कलह दिखाई देती है। देखिए, बात माननी जाने को लेकर जो बात है, आप देखिए कि जो लोग भी शामिल हो रहे हैं वो कांग्रेस में सम्मानित पदों पर थे जी। हो सकता है कि उनका अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ हो, सत्ता लुलुपता हो, इस वजह से जा रहे हो। वो जनता के मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे हैं, बेरोजगारों की बात नहीं करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार ने तानाशाही मचा रखी है, पत्रकारों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, शायद उस लड़ाई से वो बचना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो कोई भी चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी का जो मूल सिद्धांत है अन्याय के खिलाफ लड़ना, वो हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई जारी है। ठीक है, हमने किसानों के ऊपर जो बर्बरता दिखाई भाजपा ने, हमने लड़ा, कोई दूसरा खड़ा नहीं था। सारे लोग तब पहुंचे जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी आधी रात में बरसात में उन किसानों की आवाज उठा रहे। अंशु जी, एक पूरा विपक्ष जो है ना वो तैयार है भाजपा को हराने के लिए, लेकिन आवाज इको हो रही है आपकी। आवाज का सवाल हो, कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी उठा, आवाज इको हो रही है, प्रियंका गांधी जी उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो लोग भी यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, चुनाव मौसम में लोग आ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और प्रदेश के लोग देखिए बहुत ही चेतना समृद्ध है, सारी चीजों को समझते हैं। मतलब हम ये समझे अंशु जी कि कांग्रेस पूरी तरह से ये जान चुकी है कि इस बार हम कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होगा, 100% अच्छा होगा। और ये उत्तर मैं सीट की बात कर रही हूँ भविष्य के लिए। अंशु जी, मैं सीट की बात कर रही हूं। देखिए, ये लड़ाई बीजेपी से, लड़ाई हमारी कांग्रेस की अकेले नहीं, बीजेपी से उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जिस बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया, जिस बेटी को उत्तर प्रदेश में साड़ी खींची गई, वो सारी लड़ाई बीजेपी से उन सारी 6 करोड़ बेटियों की है, उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति की है। ठीक है। और श्रीमती प्रियंका गांधी जी नारी शक्ति का पर्याय बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से वो आवाज उठा रही है, और किसानों की आवाज हो या महिलाओं की हो, नौजवानों की हो। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी मुद्दों की राजनीति नहीं करते। यदि मुद्दों पर बात करनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अंशु जी, ठीक है, ठीक है। पवनीश यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवनीश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। पवनीश जी, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट
किया है और ट्विस्ट के साथ एक फोटो भी उन्होंने डाला है। उस फोटो में लिखा हुआ है मैं आ रहा हूं, इसका मतलब हम क्या समझें? जी अखिलेश यादव जी का कहना है कि मैं आ रहा हूं, यानी कि वे 2022 में आ रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हैं। जी जी बिल्कुल, वे जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करा है वो 2022 में आ रहे हैं क्योंकि जनता उनको चाह रही है, इसलिए उन्होंने वो ट्वीट करा है। 2017 में फिर वो शायद समय याद नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी को। देखिए ये बात रही 17 की, जो चीज उस वक्त थी वो अब नहीं रिपीट होगी, लेकिन इस वक्त अखिलेश जी जिस तरह से उन्होंने वन मैन आर्मी के लीडर के रूप में, जनता के मन में आपने किस तरह से जगह बनाई है जो 2017 रिपीट नहीं हो सकता, क्या वो जगह बनाई है जो खोई थी आप लोगों ने? ये देखिए ये तो समाजवादी के पार्टी के लोग ही बताएंगे, मैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हूँ। ठीक है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आप, तो आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किस तरह का विजन लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी ने जनता पर अत्याचार करा है और जनता त्रस्त हुई है इनकी सरकार को लेकर, इनकी नीतियां जनता तक नहीं पहुंच पाई, उन्हीं नीतियों को आने वाली जो छात्र हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई और लड़कियां इस सरकार में सेफ नहीं है, जैसा आपने हाथरस वाला कांड देखा होगा, ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जिस हिंदू धर्म की जिस बात करते हैं ये लोग, उसमें हिंदू धर्म की बिल्कुल ही इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि 40% आरक्षण जो है वो महिलाओं को टिकट के तौर पर दिया जाएगा। जी आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूं मैं। जी जी बिल्कुल देना चाहिए पार्टियों को, जितने भी विचार हैं हमारी पार्टी भी देगी महिलाओं को, क्योंकि महिला आगे निकलेंगी तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि महिला तो एक सबसे प्रथम देश की एक नागरिक है जिससे हमारा देश चलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो दौरा कर रही हैं, बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल आए थे, रामलला के दर्शन करे हैं। हमने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो रामलला सबको याद आ जाते हैं, हालांकि वो इस बात से सीधे नकार रहे हैं कि सिर्फ यहाँ मकसद था रामलला के दर्शन करना। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो दिल्लीवासी हैं वो मुफ्त में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव का ट्वीट मैंने आपको बताया कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मैं आ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो 2022 में जीतने वाले हैं। तो अलग अलग तस्वीर लगातार सामने आ रही है, लेकिन 2022 में फतेह किसकी होगी देखना होगा। फिलहाल के इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।